वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, सीजी व्यापक के द्वारा जो एनएम का एग्जाम लिया गया था उसका क्वेश्चंस पेपर लेके आया हूँ, जिसका पार्ट वन मैंने पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 25 तक अपलोड कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 से चलिए अपलोड करते हैं और इसका पार्ट टू देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा क्वेश्चंस आया हुआ है जिसका आंसर मैंने बताया हुआ। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, स्क्रॉल का आपको दिखाता हूँ मेरा पहला वाला पार्ट जो होता है उसका वीडियो। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा सेकेंड पार्ट का। स्कल कंसिस्ट ऑफ, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 14, 25, 22, 12 या 20 बोन्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आंसर नंबर बी आएगा, 22 बोन्स। तो खोपड़ी में जो 22 बोन्स आता है वो कहाँ कहाँ से आता है? तो 14 जो होता है वो फेस से आता है, 8 जो हमारा क्रेनियल या जो स्कल मतलब क्रेनियल जो बोन कहलाता है वो होता है, 14 और 8 टोटल मिला के हो जाता है 22। अगर इसमें कान की हड्डियां मिला देते हैं तो 6 हो जाएगा 28, और एक गले में यू आकार के हवाइड बोन कह देंगे तो हो जाएगा 29। द अपर मोस्ट टू चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज, ह्यूमन हार्ट का अपर जो दो चैम्बर क्या कहलाता है? तो वो आर्टेरिया कहलाता है, वो आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बोथ इन द सेल ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज डी, सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट्स दोनों के सेल पे पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? थैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम या मेडुला ऑब्लॉन्गा? तो ये जो कहलाता है वह सेरिब्रम कहलाता है। नेक्स्ट, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इज सिचुएटेड, लैंगरहैंस द्वीप समूह कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए इन लिवर, इन पेनक्रियास, इन स्प्लीन एंड इन ग्लाल ब्लैडर। एंड ये जो होता है वह स्प्लीन पे पाया जाता है, सॉरी पेनक्रियास पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, नर्सिंग प्रोसेस के इम्प्लीमेंटेशन प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ए कलेक्शन ऑफ डाटा, गिविंग एक्चुअल नर्सिंग केयर, सिस्टमेटिकली डेवलपिंग गोल्स एंड मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ यूरिन, सॉरी ऑफ नर्सिंग केयर। एंड करेक्ट आंसर नंबर बी, गिविंग एक्चुअल नर्सिंग केयर। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए परकसन, ऑस्कल्टेशन, पेल्पेशन एंड मैनिपुलेशन। एंड जो करेक्ट आंसर होता है वह स्टेटोस्कोप द्वारा एग्जामिनेशन ऑस्कल्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, सेप्सिस, बैक्टीरियोस्टेटिस, ट्रांसमिशन या नॉन ऑफ दिस। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए सेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मिस फ्लोरेंस नाइटेंगल वॉज बोर्न ऑन मई 12, 1620, मई 12, 1720, मई 12, 1820 एंड मई 1920, मई 12, 1920। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी, मई 12, 1820 में मिस फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म हुआ था। व्हाट इज द यूरिन इज कॉल्ड, मूत्र में मवाद क्या कहलाता है? एनुरिया, डिसुरिया, ओलिगुरिया या पायुरिया? तो मूत्र में यूरिन पायुरिया कहलाता है। ड्रग दैट डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वर्म आउट ऑफ बॉडी आर एनेस्थेटिक, एंटीट्यूसिव, एस्ट्रीजेंट एंड वर्मीफ्यूज। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज डी, वर्मीफ्यूज। नेक्स्ट, ड्रग्स दैट प्रोड्यूस वोमिटिंग इज, दवाइयाँ जो उल्टी कारक होता है, एंटी एमेटिक्स, इमेटिक्स, नार्कोटिक्स या डायुरेटिक्स? तो उल्टी को रोकने वाला एंटी इमेटिक्स कहलाता है, किंतु उल्टी कराने वाला इमेटिक्स कहलाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर नंबर इज बी करेक्ट। नेक्स्ट, 1 ounce होता है, 1 ounce में कितना होता है? 280 ग्राम, 300, 400 या 580 ग्राम? तो जो 1 ounce होता है उसमें 480 ग्रेन्स
ग्राम, सॉरी फ्रेंड्स, अभी मैंने ग्राम्स बोला था, इसको ग्रेन्स कहें, ग्रेन्स। तो 480 ग्रेन्स होते हैं एक ऑन्स में। 1 इंच इज इक्वल टू, 1 इंच कितने से बराबर होते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच में जो होता है वह 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच बनता है। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रीफेड आयरन इंजेक्शन साइट फॉर एडल्ट इज डेल्टॉइड, वेंट्रोग्लूटियल, वास्टल लेटरलस या डोर्सो लेटरल। एंड जो वेंट्रोग्लूटियल होता है वह जो प्रिफर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉनिटर इन केस ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर इज विब्रियो कोलेरा, एस्चेरिचिया कोलाई एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका या कोलिफॉर्म टेस्ट। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी, एस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल एंड पैसिव नेचुरल। एंड करेक्ट नंबर इज बी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एचआईवी कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट कैन बी डिकंटामिनेटेड बाय द फॉलोइंग एजेंट एक्सेप्ट, सभी एजेंट से डिकंटामिनेटेड किया जाता है सिवाय एक के, सोडियम हाइपोक्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड एंड मेथनॉल। एंड जो करेक्ट आंसर नंबर 43 का आंसर नंबर डी, मेथनॉल। मेथनॉल के अलावा ग्लूटरल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये तीनों से कंटामिनेटेड एचआईवी कंटामिनेटेड वेस्ट को डिकंटामिनेटेड किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज, बीसीजी लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, टॉक्साइड या फिर बैक्टीरिया साइडल या बैक्टीरियल प्रोडक्ट है। तो ये जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, जीवित तनुकृत टीके होते हैं। करेक्ट आंसर नंबर इज ए। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई एड्स, डायरिया, टाइफाइड फीवर एंड डिसेंट्री। विडाल्स जो होता है साल्मोनेला टाइफी के टेस्ट के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड फीवर के लिए होता है। ए सेप्सिस मीन, ए सेप्सिस का क्या मतलब होता है, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, फ्रीडम फ्रॉम नॉइज, फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। एंड जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, अर्थात तो जो संक्रमण से आजादी या मुक्ति, ये सेप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट, यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम, यूरिन सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट यूरिन, लास्ट यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन या फिर फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन। तो कोई भी जो सैंपल टेस्ट के लिए लिया जाता है वो मिड स्ट्रीम यूरिन को ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस माइक्रोबायल ग्रोथ एक्सेप्ट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, डार्कनेस एंड डिस इन्फेक्शंस। तो इसमें से सभी फैक्टर्स जो होते हैं माइक्रोबायल ग्रोथ को बढ़त में सहायक होते हैं सिवाय एक के, तो यह होता है डिस इन्फेक्शन। नेक्स्ट, द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इज, एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, एड्स, वेस्टर्न ब्लॉट, सीडी काउंट या फिर वीडीआरएल। इसके लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड इस पार्ट का, क्लेब्स लोफलर बेसिलस इज नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, क्लेब्स लोफलर बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कॉर्नोबैक्टीरियम डी3 एंड लैक्टोबेसिलस। तो ये जो कार्नोबैक्टीरिया डी3 होती है उसको क्लेब्स लोफलर बेसिलाई के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेटर होगा और आपको वो काफी सारे हेल्प करे होंगे। तो आप भी एक हेल्प करेंगे कि आप मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।